पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के तत्वावधान में 4 नवंबर से 10 नवंबर तक 66वां अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में मुख्य अतिथि नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन ने सभी टीमों से हाथ मिलाकर तथा गुब्बारा छोड़कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। जिसके संबंध में नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन ने बताया कि अखिल भारतीय रेलवे वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें रेलवे बोर्ड से लेकर और जोनल रेलवे से कुल 19 टीमें भाग लिया। यह प्रतियोगिता 1 सप्ताह चलेगी। काफी टीमें होने की वजह से लगातार प्रतिदिन टूर्नामेंट होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे की टीम टूर्नामेंट में जीतती है तो भारतीय रेलवे स्तर पर टीम को खेलने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि खेल में युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले, उच्च स्तर का खेल देख कर अपने आप में इंस्पायर होंगे। खेल का स्तर पूर्वांचल और रेलवे में बढ़ता रहे, इस अवसर पर सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंद्र विजय सिंह, वॉलीबॉल सचिव डॉक्टर फहीम अहमद सहित अन्य रेलवे के अधिकारी एवं खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन ने कहा, जिसका विधिवत एक अभ्यर्थता है।
शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। कृपया थोड़ा किनारे हो जाए ताकि स्कोर दिखाई दे। अखिल भारतीय रेलवे टूर्नामेंट है, इसमें 19 टीमें रेलवे बोर्ड से लेकर प्रोडक्शन यूनिट्स और जोनल रेलवे को मिलाकर कुल 19 टीमें भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिता लगभग एक हफ्ता चलेगी, 10 तारीख को इस प्रतियोगिता का समापन है। क्योंकि काफ़ी टीमें हैं, हम लगातार डेली इसमें मैचेस होंगे राउंड रॉबिन लीग में। जो हमारी जो भारतीय रेल की टूर्नामेंट की टीम जो जीतती है, हमारा एक इंडियन रेलवेज का कॉल कप कहलाता है, जो कि जिसमें कि पॉइंट्स मिलते हैं, उससे ओवरऑल चैंपियनशिप डिसाइड होती है रेलवेज की। इसके अलावा खिलाड़ियों को भारतीय रेलवे के स्तर पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसी के बेसिस पे मौका मिलता है। सर, खेल के माध्यम से बाकी गाँव में क्या संदेश है? हम ये कहना चाहेंगे कि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। हमारे यहाँ कई सारे बच्चे इस एरिया के रोज आते हैं खेलने, इस उच्च स्तर के खेल को देख के अपने आप को इंस्पायर होंगे, इससे शिक्षा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि इससे खेल का स्तर हमारे इस पूर्वांचल के एरिया में और रेलवे में बढ़ता रहेगा।